नमस्कार दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने में। इसलिए जिंदगी को हमेशा मुस्कुराते हुए जियो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी ये मुस्कुराहट दिल में दफन सारे राज खोल सकती है? जानना चाहते हैं कैसे, तो अंत तक देखें वीडियो। तो जो खुलकर और खिलखिलाकर हंसने वाले लोग होते हैं, वो बहुत ही सहनशील, दयालु और सभी का हित चाहने वाले होते हैं। ऐसे लोग विश्वास के लायक होते हैं। ये भगवान में पूरी श्रद्धा रखते हैं, सबको खुश करने में अपनी खुशियां न्योछावर कर देते हैं। ये अपनी लव लाइफ में भी काफी ईमानदार होते हैं। तो वहीं ठहाका मारकर ऊंची आवाज में हंसने वाले लोग अपने जीवन को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश में होते हैं। इनकी हंसी में अहंकार भी दिखता है। दूसरों की पीठ पीछे बुराई नहीं करते, ये इनकी खूबी होती है। लेकिन अगर इनके ईगो को कोई हर्ट करता है तो उसे छोड़ते नहीं है। ऐसे लोग समाज में काफी लोकप्रिय होते हैं। किसको कहां यूज करना है, इस कला में ये लोग काफी निपुण होते हैं। तो वहीं रुक रुक कर हंसने वाले लोग अपने काम में काफी चतुर होते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये दूसरों को समझकर और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। मानसिक संतुलन इनका अच्छा होता है, लेकिन इनमें हमेशा लड़कपन व हल्कापन दिखता रहता है। इसके अलावा कुछ लोगों की मुस्कान शांत होती है। वो लोग अपने मन की प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं। ये लोग गंभीर, धैर्यवान, शांति प्रिय, विश्वासी व चरित्रवान होते हैं। ये अपनी बातों को कम शब्दों में ही व्यक्त करना चाहते हैं। सबके साथ एक सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। ये अपने शांत स्वभाव से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। घोड़े के समान हिनहिनाकर हंसने वाले लोग चालबाज, मक्कार, धूर्त, अहंकारी व चरित्रहीन होते हैं। ये लोगों से अपना मतलब निकालने में माहिर होते हैं। स्वार्थ निकलने के बाद ये उस व्यक्ति को भूल जाते हैं। काम निकलने के बाद ये दूसरों की बुराई भी करने में नहीं चूकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही उचित होता है। और जो लोग हर व्यक्ति से हंसकर मिलते हैं और छोटी छोटी बातों पर बेवजह हंसा करते हैं, ऐसे जातक काफी मिलनसार होते हैं। इनका जनसंपर्क का क्षेत्र व्यापक होता है, लेकिन ये स्वार्थी होते हैं। इनको समझ पाना सबके बस की बात नहीं होती। किस व्यक्ति को कहां यूज करना है, ये चीज ये बहुत अच्छे से समझते हैं। और जिन लोगों के हंसते वक्त गाल में गड्ढे पड़ जाते हैं, वो लोग जल्दी ही सबसे घुल मिल जाते हैं। आत्मविश्वासी होते हैं, मिलनसार व रोमांटिक होते हैं। अगर लड़कियों के हंसते समय गाल में गड्ढे पड़ते हैं तो उनके ज्यादा रिलेशंस होते हैं। ऐसी महिलाएं काफी संवेदनशील होती हैं, लेकिन कुछ जिद्दीपन भी इनमें होता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।